दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे गैजेट्स जो कि साइज में तो भले ही छोटे रहेंगे लेकिन उनके यूजर्स अपने आप में बड़े ही कमाल के होने वाले हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 8, फिल्मेटिक प्रोजेक्टर। दोस्तों आपने काफी सारे प्रोजेक्टर्स देखे होंगे जो कि साइज वाइज देखा जाए तो काफी ज्यादा बड़े और भारी भरकम रहते हैं, जिन्हें कि आपको एक जगह पर फिक्स करना होता है जिसके बाद ही आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक ऐसे छोटे से प्रोजेक्टर की जिन्हें कि आप अपनी जेब में रखकर चल सके, तो ये शायद बात आपको थोड़ी सी मजाक वाली लगे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है इस तरीके के छोटे से गैजेट की मदद से। दोस्तों ये एक ऐसा छोटा सा मिनी साइज प्रोजेक्टर होता है जो कि खासतौर पर पोर्टेबल यूजर्स के लिए बनाया गया है। साइज वाइज ये इतना छोटा होगा कि आप इसे इजिली कहीं भी लेकर कैरी कर सकें और इसे यूज करना भी बेहद आसान रहता है। इसमें किसी नॉर्मल प्रोजेक्टर की तरह आपको एक प्रॉपर स्क्रीन नहीं चाहिए होती है जहां पर आप इसे प्रोजेक्ट करें, बल्कि जिस भी जगह को चाहे आप एक स्क्रीन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पर्दे की बजाय अगर आप चाहें तो अपने कमरे की दीवारों को भी एक स्क्रीन की तरह यूज कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इसे पूरी तरीके से वाटरप्रूफ और रफ टफ सिचुएशंस के लिए बनाया गया है, जिसे कि आप आउटडोर सिचुएशंस में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों ये गैजेट एक बैटरी पावर्ड गैजेट होता है जिसे कि आपको समय समय पर चार्ज करते रहना होगा। साथ ही दोस्तों इसका अगर चाहें तो आप इस्तेमाल एक छोटे से मिनी स्पीकर के रूप में भी कर सकते। नंबर 7, फिक्स सेंस ट्रैकर। दोस्तों आपके घर में जो चाबियां होती हैं उनमें जनरली हम सभी लोग कीरिंग्स डाल देते हैं जिससे कि वो खोए ना आसानी से, लेकिन दोस्तों अगर वो फिर भी खो जाती हैं तो उन्हें ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूं जो कि कहीं ना कहीं आपके खोए हुए सामान को ढूंढने में मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, साइज वाइज देखा जाए तो ये एक छोटी सी कीरिंग जैसा ही लगता है, जिसे कि ठीक वैसे ही आपको इस्तेमाल भी करना होगा। लेकिन दोस्तों ये आपके लिए एक छोटे से लोकेशन ट्रैकर की तरह काम करता है, जिससे कि अगर आपकी चाबी या फिर जहां पर भी आपने इसे टैग करके रखा हुआ है वो चीज खो जाती है तो आप उसे मोबाइल फोन की मदद से इजीली ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरीके से जनरली जो चीजें आप जल्दी जल्दी खो देते हैं उन्हें ये खोने से तो बचाता ही है। साथ ही दोस्तों इसका इस्तेमाल आप एक छोटे से रिमोट कंट्रोल के तौर पर कर सकते हैं जो कि आपके घर के स्मार्ट अप्लायंसेस को भी कंट्रोल कर सकेगा। वहीं इस छोटे से गैजेट में लगे होते हैं मल्टीपल सेंसर्स, जिससे कि अगर आपने जहां पर भी इसे रखा हुआ है अगर उसे कोई भी छुएगा तो फौरन आपके मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन आएगी। साथ ही दोस्तों इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर भी लगा होता है जो कि कहीं ना कहीं आपके आसपास की सिचुएशंस को मॉनिटर करेगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके फोन तक पहुंचाता है। तो कमाल के फीचर्स देखने को मिलते हैं आपको इस छोटे से गैजेट में, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 6, लिटो फोल्डेबल सूटकेस। दोस्तों अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो जनरली हमारे पास होते हैं बड़े बड़े ट्रॉली बैग्स जिसमें कि सामान रखकर ले जाना काफी आसान होता है, लेकिन ट्रिप पूरी होने के बाद कहीं ना कहीं सूटकेस का यूज हो जाता है खत्म, जिसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें रखने को लेकर एक प्रॉब्लम आती है क्योंकि सूटकेस साइज में काफी ज्यादा बड़े और भारी भरकम होते हैं जो कि अच्छा खासा स्पेस लेंगे आपके घर में। तो दोस्तों इसके लिए अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके की सूटकेस को, जो कि काफी कमाल का रहेगा। दोस्तों ये एक तरीके का फोल्डेबल सूटकेस रहता है जिसे कि नॉर्मली जब आप इस्तेमाल करेंगे तो एक बड़े से ट्रॉली बैग के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों जब इसका यूज ना हो तो बहुत ही इजीली इसे फोल्ड कर पाएंगे जो कि काफी कम जगह लेगा, जिसे कि फोल्ड होने के बाद आप कहीं भी बड़ी आसानी से रख सकते हैं। इस तरीके का बैग जगह काफी कम लेता है और जिसका रखरखाव बेहद आसान रहेगा। तो ये बैग बेहद कमाल का लगा है मुझे, जो कि साइज वाइज बेहद छोटा रहेगा, जहां पर हर सामान को रखने के लिए एक स्पेशलाइज्ड स्पेस दे रखा होता है और जब दोस्तों इसका काम ना हो तो बड़ी ही इजीली फोल्ड कराकर इसे कहीं भी किनारे आप खड़ा कर सकते हैं। नंबर 5, हीटिंग पैड्स। दोस्तों गरम गरम खाने का शौक किसे नहीं होता, और किचन से जब खाना तैयार होकर आता है तो कहीं ना कहीं जो उसकी गर्माहट होती है वो उसके स्वाद को काफी बढ़ा देती है। लेकिन दोस्तों ऐसा अक्सर होता है कि आप फैमिली के साथ बैठकर अगर फूड एंजॉय कर रहे हैं या फिर दोस्तों के साथ बैठे हैं तो बातें इतनी ज्यादा हो जाती है कि कभी कभी हम खाने पर ध्यान ही नहीं देते, तो खाना ऐसी सिचुएशन में धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और लास्ट आते तक तो वो बिल्कुल ही एकदम ठंडा हो जाता है। जिसके लिए अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि खासतौर पर ऐसी ही सिचुएशंस के लिए बनाया गया है जो कि आपके खाने को गर्म रखने का काम करेगा। ये एक तरीके का हीटिंग पैड्स होता है जिसमें कि हीटिंग कॉइल्स लगी होती हैं, जिस पर आप अपने फूड को रखकर एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक प्लेट भी देखने को मिल जाएगी जो कि काफी बेहतर और साइज में बड़ी रहती है, जिस पर आप फूड रखकर एंजॉय कर सकते हैं। ये आपके खाने को कंटिन्यूसली गर्म रखने का काम करेगा, जिससे कि अगर आप काफी देर तक फूड एंजॉय कर रहे हैं तो आपके खाने का टेस्ट नहीं बदलेगा और ना ही वो ठंडा होगा। तो इस तरीके के छोटे से गैजेट की मदद से आप अपने खाने को गर्म रखने का काम कर सकते हैं। इसके साथ एक छोटी सी बैटरी यूनिट रहेगी जिससे कि आप इसे अटैच कर पाएंगे और ये ओवरऑल पूरी प्लेट को गर्म रखने का काम करता है क्योंकि इसके अंदर लगी होती है हीटिंग कॉइल्स। ये इस तरीके से बनाया गया है कि अगर आपका हाथ इस पर पड़ जाए तो आपको गर्माहट का एहसास नहीं होगा, बल्कि ये सिर्फ आपकी प्लेट को ही गर्म रखेगा। तो इस तरीके के गैजेट को आप भी चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं, जो कि एक छोटी सी पर कमाल की टेक्नोलॉजी है। नंबर 4, शिनकाई मॉड्यूलर वॉलेट।
दोस्तों वॉलेट का इस्तेमाल तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल लोग फिजिकल करेंसी से ज्यादा लोग डिजिटल करेंसी को साथ में रखना पसंद कर रहे हैं, जिसमें कि उनके पास होते हैं काफी सारे कार्ड्स वगैरह जिनको रखने के लिए आपके पर्स में कोई स्पेशलाइज जगह नहीं होती है। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के वॉलेट को, जो कि काफी कमाल का रहेगा। इसके साथ आपको एक अलग से अटैचमेंट देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आप लगभग 13 कार्ड्स को एक साथ लेकर कैरी कर सकते हैं। साथ ही हर चीज को रखने के लिए एक स्पेशलाइज स्पेस दे रखा होता है। आप जहां पर पैसे रखना चाहते हैं पर पैसे रखेंगे, साथ ही कॉइन्स को रखने के लिए भी एक अलग जगह दे रखी होती है। इसका कार्ड रखने वाले सेक्शन को आप इजीली हटा सकते हैं, जो कि एक मैग्नेटिक अटैचमेंट के सहारे लगा रहता है, जहां पर अगर आप चाहें तो एक छोटे से ट्रैवल पेन को भी लगाकर कैरी कर पाएंगे। तो दोस्तों बड़ा ही कमाल का ये वॉलेट रहता है, जहां पर आपको सिम इजेक्टर पिन से लेकर सिम्स और मेमोरी कार्ड तक को रखने की जगह दे रखी होती है, और अल्टीमेट आप अपने कार्ड्स वगैरह को तो इसमें आप रख ही पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के छोटे से कॉम्पैक्ट से वॉलेट को, जो कि काफी कमाल का रहता है इस्तेमाल करने में। नंबर 3, Proxa Versatile Wallet। दोस्तों वॉलेट का इस्तेमाल तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर कोई इस्तेमाल होने वाली चीज है आज की तारीख में, तो वो है हमारा मोबाइल फोन। एक बार ऐसा हो सकता है कि आप अपना वॉलेट ले जाना भूल जाएं, लेकिन मोबाइल फोन ले जाना बहुत कम ही लोग भूलते हैं। तो अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं एक ऐसा गैजेट जो कि आपके मोबाइल फोन के साथ ही आपके वॉलेट को अटैच कर दे। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा केस कवर होता है जो कि आपके मोबाइल फोन को प्रोटेक्ट तो करता ही है, साथ ही साथ आपको एक छोटे से मिनी वॉलेट की सुविधा भी देता है, जिसमें कि आप हल्का फुल्का कैश या फिर अपने जरूरी कार्ड्स लेकर कैरी कर सकते हैं। इसकी कमाल की बात रहती है कि ये आपके मोबाइल फोन को प्रोटेक्ट करने के साथ उसे एक स्टैंड की सुविधा भी देता है, जिससे कि आप फोन को चाहें तो इजीली टिका सकते हैं। इसमें आपको एक छोटा सा पाउच भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको और भी एक्स्ट्रा सामान रखने के ऑप्शंस देता है, जिसमें कि आप अपने ईयरबड्स या फिर छोटी मोटी ऐसी ही चीजों को लेकर कैरी कर पाएंगे। तो दोस्तों कमाल का ये वॉलेट रहने वाला है, जो कि आपके फोन को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ काफी सारे और भी ऑप्शंस देता है। नंबर 2, सीजर लेंस प्रो। दोस्तों आजकल जो स्कैनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें से ज्यादातर ये स्कैनर्स प्रिंटर्स के साथ अटैच रहते हैं, जो कि साइज वाइज देखा जाए तो काफी ज्यादा बड़े और भारी भरकम होते हैं, जिनमें की पोर्टेबिलिटी की सुविधा नहीं होती कि आप उसे जहां चाहें वहां ले जा सकें। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा छोटा सा पोर्टेबल स्कैनर दिखाने वाला हूं, जो कि साइज में इतना ज्यादा छोटा रहेगा, जो कि आपके बैकपैक में बड़ी आसानी से आ जाएगा। देखा जाए तो ये एक तरीके का स्टैंड में लगा हुआ एक छोटा सा कैमरा होता है, जिसे कि आप जहां चाहें वहां सेट कर सकते हैं, और इसके नीचे डॉक्यूमेंट्स को रखकर इजीली स्कैन कर पाएंगे। इसमें कमाल की बात ये रहेगी कि ये डॉक्यूमेंट्स की लैंग्वेजेस को भी स्कैन कर सकता है, और लगभग 180 लैंग्वेजेस का सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि उसे जब चाहें आप अपने हार्ड कॉपी या फिर पीडीएफ में चेंज कर सकेंगे। ये स्कैनर प्लग एंड प्ले सिस्टम पर काम करता है, जिसे कि आप अपने लैपटॉप और टैबलेट के साथ बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे, और वजन में भी ये बेहद कम रहेगा, जिसे कि आप इजीली कहीं भी लेकर इसे कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों कमाल का ये रहता है स्कैनर, जो कि स्टडी पर्पस काफी बेहतर रहेगा, साथ ही डॉक्यूमेंट स्कैनिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये आपको कमाल की पिक्चर क्वालिटी देता है। नंबर 1, ऑप्स बॉट। दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस या फिर मीटिंग्स वगैरह लेनी होती हैं, तो आपके पास होना चाहिए एक ऐसा छोटा सा वेबकैम, जो कि हाई क्वालिटी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सके। लेकिन जनरली ऐसे वेबकैम बहुत कम अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं एक ऐसा वेबकैम जो कि आपको कमाल की क्वालिटी दे, वो भी बहुत सारे एडवांस फीचर्स के साथ, तो इस गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं। ये साइज वाइज बेहद छोटा सा वेबकैम रहता है, जो कि फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस को सपोर्ट करेगा। साथ ही ये एक तरीके का 360 डिग्री में रोटेटेबल कैमरा होता है, जो कि आपके फेस को डिटेक्ट करता है और आपके मूवमेंट के हिसाब से ही अपने एंगल को एडजस्ट कर लेगा। यानी कि ऑटो फ्रेमिंग का भी सपोर्ट आपको इस छोटे से टाइनी कैमरा में देखने को मिल जाएगा। ये कैमरा 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है, जो कि काफी हाई क्वालिटी रहेंगी, और साथ ही इसमें आपको HDR मोड भी दे रखा होगा, जो कि इसे और भी ज्यादा खास बनाता है। अगर आप चाहें तो इस कैमरा को अपने हाथों के जेस्चर से कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही जूम इन और जूम आउट जैसे फीचर्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, जिसे कि आप अपने हाथों के मूवमेंट से ही कंट्रोल कर पाएंगे। तो काफी सारे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसे वेबकैम से एक ऊपर की चीज बनाते हैं, जिस वजह से ये हो जाता है लिस्ट का एकदम नंबर 1 गैजेट। दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है, साथ ही इस वीडियो का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है, ये बात भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, और वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस जानना चाहते हैं, तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।